खबर चमोली से। सावन में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए आयोजित की गई बैठक। जोर शोर से चल रही है सावन माह में कांवड़ यात्रा की चहल पहल और तैयारियां। पूर्व की भांति इस वर्ष भी सावन माह में भगवान आशुतोष शिव शंकर जी को गंगा जल चढ़ाने के लिए महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर मंगलवार को स्थानीय साक्षी लॉज में एक बैठक की गई। बता दें कि यह कांवड़ यात्रा पिछले 2 सालों में कोरोना काल के चलते स्थगित रखी गई थी। तब शिव भक्तों में काफी मायूसी छाई थी, लेकिन इस बार शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कांवड़ यात्रा के अध्यक्ष राम बहादुर सलामी अध्यक्षता में हुई बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया है कि कांवड़ यात्रा का मार्ग पूर्ववत ही रहेगा और यह कांवड़ यात्रा कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम से पवित्र गंगा जल लेकर 31 जुलाई को लगभग 42 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद देवीधुरा पर्वत शिखर पर विराजमान महामृत्युंजय महादेव मंदिर में पहुंचेगी। 31 जुलाई को 30 किलोमीटर चलकर कांवड़िया नारायणबगड़ बाजार में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले सुबह सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़िया मंदिर के लिए प्रस्थान कर भागवत शिव को गंगा जल अर्पित करेंगे। कांवड़ यात्रा समिति के सदस्यों ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर तेजी से काम किया जा रहा है और जो भी शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन से मिलकर मांग की जाएगी। सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। और जो ये कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है, विगत 2 वर्षों से कोरोना के चक्कर में ये बाधित रहा, तो अब ये तीसरी जो कांवड़ यात्रा इस समय होनी है, तो ये कर्णप्रयाग से जल भर के मृत्युंजय महादेव में कांवड़ भक्त जलाभिषेक करेंगे। तो इसमें हम सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए और प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के इंतजाम। हमारी मृत्युंजय महादेव समिति एवं कांवड़ यात्रा समिति की एक बैठक हुई और श्रावण मास में अभी जो पिछली बार की तरह कांवड़ यात्रा का आयोजन करना है 2 साल से नहीं हो पाया कोरोना काल के कारण, तो उसमें जो पूर्व की भांति कांवड़ यात्रा होनी है उसी प्रकार से होगी। कर्णप्रयाग से हमारे कांवड़ भक्त और जो कि कर्णप्रयाग संगम है पिंडर नदी का और अलकनंदा नदी का जो संगम है उस संगम से कांवड़ी जल लेके आएंगे और 31 तारीख को वहाँ से जल लेके आएंगे। 1 तारीख सोमवार को ऊपर मृत्युंजय महादेव मंदिर देवधुरा में उसका जलाभिषेक होगा और उस पर हमारी आज पूरे इलाके में सारे लोग मतलब 33 गांव के जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कांवड़ यात्रा में आए सम्मिलित हुए। दूसरे में झांकी वगैरह जो भी है वो भी रखी हमने इस साल और साउंड व्यवस्था फिर प्रशासन की भी हमें वो व्यवस्था होनी चाहिए। फिर अब हमारा जो जाएगा अध्यक्ष महोदय जी हैं जो भी मंदिर समिति के सारे लोग पहले हम जिला अधिकारी से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे जो है परमिशन लेंगे ये चीज़ कांवड़ यात्रा में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि रोड की ये स्थिति है आप देख ही रहे होंगे कहीं पत्थर गिर रहे हैं कहीं कुछ हो गए, तो कल को लोग मानवा जो जनता है या प्रशासन है हमें कहेंगे, इसलिए हम उनसे मदद लेना चाह रहे हैं। हमें ये मदद चाहिएगी प्रशासन की, जो भी व्यवस्था हो रोड वगैरह इत्यादि बाकी सेवा जो होगी पूरी, कोई भी आए चाहे 200 आदमी हो 300 आदमी हो सारी व्यवस्था हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।